Hello. Good evening. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर. RRBJE, SSCJE कुछ आज बना करके लाए हैं आप लोगों के लिए स्लाइड जो इम्पोर्टेंट भी है और सारा डिस्कशन होगा RRBJE एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 से 5 क्वेश्चन के लिए ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है. ठीक, देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि थ्री फेज, ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ये इंडक्शन मोटर का टाइप होता है, इंडक्शन मशीन का टाइप होता है. ठीक, इंडक्शन मशीन दो टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन मशीन. फर्स्ट, इसको फेज वाइज डिवाइड किया गया है. दूसरा है सिंगल फेज, थ्री फेज एंड सिंगल फेज. आज हम लोग यही थ्री फेज डिस्कशन करने के लिए यहाँ बैठे हैं. थ्री फेज कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग कनेक्शन जो देते हैं आर वाई बी, ये तीन फेज होता है. और मैं आपको यहाँ बता दूँ, 120 डिग्री इच डिवीजन होता है फेज के बीच में. इसका जो डिविजनल फॉर्म है ये 120 डिग्री डिविजन होता है. तो फेज डिफरेंस कितना, 120 120 120. आप इस नंबर पे हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मिस्टर रणधीर कुमार सिंह है. ये नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टीट्यूट है. ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर. आज हम बस इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए बात करेंगे जो आपको RRBJE और SSCJE में डायरेक्ट इसका चांस है आने का. ठीक, तो अब देखिए, जैसे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अब इसी पॉइंट पे हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि अभी जो RYB थ्री फेज जो 120 डिग्री शिफ्टेड यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये किस तरह से डिसाइड करते हैं. ये फेज डिवीजन होता है दो फॉर्म में, एक होता है स्टार और दूसरा होता है हमारा डेल्टा. एक होता है स्टार, दूसरा होता है हमारा डेल्टा, स्टार एंड डेल्टा के फॉर्म में. तो स्टार और डेल्टा का जो फॉर्म है ये हम लोग देखेंगे, तो इसी का डिसीजनल या डिविजनल पॉइंट लेंगे हम लोग स्टार एंड डेल्टा. तो कितना कितना फेज हो गया, तो फेज हो गया हमारा 120 120 इच. जैसे मान लीजिए कि ये हम आपका ये डेल्टा और ये सॉरी स्टार और ये हमारा डेल्टा का वेव फॉर्म. ये कितना डिग्री, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री. ठीक, ये भी हमारा सबका सब 120 120 फेज डिफरेंस हो जाएगा. तो इस तरह से इस आज हम लोग का जो डिस्कशन पॉइंट है यही है और इसी पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे. ठीक है गुरु, तो स्टार्ट किया जाए कि ये होता क्या है, कैसा होता है, क्यों क्या पढ़ते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में. और इम्पोर्टेंट पार्ट में सबसे फर्स्ट आता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम आपके साथ डिस्कशन कर देते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में या कोई भी मशीन में तो दो पार्ट होता है, एक इसका स्टेटर पार्ट होता है और दूसरा इसका रोटेटिंग पार्ट होता है. हम यहाँ लाइन डायग्राम आपको दिखा रहे हैं. ये मान लो ये आपका स्टेटर पार्ट है, ये स्टेटर पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर पार्ट. और ये मान लो आप ये रोटर पार्ट. तो रोटर और स्टेटर के पार्ट के बीच में एक एयर गैप होता है ना, ये भी रखना जरूरी है क्योंकि नहीं तो रोटेट नहीं कर सकता यदि नहीं रखा जाए. एयर गैप थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम, एयर गैप. यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आता है
यदि एयर गैप ज्यादा होगा तो क्या होगा और एयर गैप कम होगा तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, एयर गैप ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस होता है गुरु। ये रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस होता क्या है, तो रिलक्टेंस जो होता है, रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो, यदि एयर गैप बढ़ाओगे तो रिलक्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब, और रिलक्टेंस जब बढ़ेगा तो फ्लक्स की कमी आ जाएगी, ठीक है, तो फ्लक्स की कमी आ जाएगी, तो चूंकि फ्लक्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो अब फ्लक्स कम होगा मतलब करंट भी कम हो जाएगा और फ्लक्स भी कम हो जाएगा, तो करंट भी कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो अब हम लोग को करंट ज्यादा से ज्यादा फीड करना होगा। दूसरा टर्म है इसी को लेकर के कि चूंके MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। MMF जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे, तो ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं MMF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि एयर गैप यदि आ गया, एयर गैप ज्यादा हो रहा है या एयर गैप होगा तो क्या हम लोग को करंट ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, MMF ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। बाबू, एयर गैप तो हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं कि यदि एयर गैप आ गया, एयर गैप यदि हमारा प्रेजेंट है, मतलब कि करंट का कहीं ना कहीं कमी हो जाएगा और करंट जो है MMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो करंट बढ़ाने के लिए हम लोग को MMF बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट को इम्प्रूव करना होगा, जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा एयर गैप की भरपाई होगी, तो मतलब इसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट भी बोलते हैं, वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ, दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये भी हम लोग को आगे ले जाना होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि यदि एयर गैप बढ़ेगा तो क्या हमारा करंट पे क्या इफेक्ट होगा, तो करंट पे बाबू इफेक्ट होगा कि हम लोग इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसको करंट नहीं जब तक बढ़ेगा तब तक हमारा फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, स्टेटर का, कि स्टेटर कैसा होता है, सुनना। यहाँ फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका स्टेटर, जो भी हम आपसे बात कर रहे थे, स्टेटर। स्टेटर में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो होता है, ये कवर टाइप का एक बॉन्डिंग एलिमेंट, ये कवर किया हुआ रहता है, इसके नीचे हम लोग स्लॉट लगाते हैं। तो स्टेटर का जो ऊपर का पार्ट है, मान लीजिए कि ये पूरा ऊपर का पार्ट है, ये हमारा ऊपर का पार्ट है। तो अब जैसे देखो, इसके नीचे हम लोग एक लेयर लगाते हैं जो कि कहलाता है, ये नीचे जो है, सॉरी, नीचे इसके इसके नीचे ये मान लीजिए ये स्टेटर है, तो इसके नीचे एक लेयर आता है, ये हमारा लेमिनेशन क्या हुआ रहता है ना, ये भी स्टेटर का, यही हम लोग वाइंडिंग करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग वाइंडिंग करते हैं जो कि थ्री फेज के फॉर्म में होता है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा थ्री फेज के फॉर्म में रहता है ये वाइंडिंग। एक फेज मान लो ये आर वाई है ना, वाई, दो फेज, एक और ले लो तीसरा, तो इसका जो स्लॉट रहता है ये आर वाई, ये
ये तीन फेज यही रहता है, और ये जो कवर बना रहता है बाबू, ये होता है हमारा कास्ट आयरन का, किसका, कास्ट आयरन का। और ये जो थ्री फेज वाइंडिंग क्या रहता है, ये हमारा ये थ्री फेज वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग होता है ये याद रखना स्टार और डेल्टा किसी में रहता है, ये स्टार या डेल्टा दोनों में से किसी एक में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इसका काम क्या है स्टेटर का, ये जो वाइंडिंग कर रहे हो ना, यहाँ वाइंडिंग जो है ना ये स्लॉट में डिवाइड होता है, ये पूरा स्लॉट बना रहता है आपका, ये स्लॉट बना रहता है। और ये जो स्लॉट है इसी को ये क्या करता है अपने पास बना के रखता है ये। तो वाइंडिंग हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम यूज करते हैं, और ये स्लॉट का जो लेमिनेशन किया रहता है ये क्लास बी एंड सी का रहता है, या तो इसमें जैसे हम लोग का माइका आ गया, माइका यूज। स्टेटर जो है ये सबसे फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करने के लिए काम करते हैं हम लोग, किस पे, रोटर के ऊपर, रोटर के ऊपर ये हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ काम करवाते हैं। ये भी एक टर्म है इसका, इस तरह से हम लोग स्टेटर का निर्माण करते हैं। ये हमारा टर्म हो गया स्टेटर, याद रखना कि इसमें क्लास मतलब माइका जनरली यूज करते हैं हम लोग इंसुलेशन के लिए स्लॉट का। अब है हम आपको पहले ही बताएं कि इस लेक्चर में हम आपको केवल क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। क्वेश्चन जैसे नीचे है, हम आते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो दिया हुआ है जैसे रोटर होता है, रोटर हमारा दो टाइप का रोटर होता है बाबू, ये हमारा फर्स्ट है रोटर जो है, रोटर है ये फर्स्ट है हमारा केज टाइप और स्क्वायरल केज टाइप। दूसरा है हमारा यहीं पे नाम बाउंड, नीचे देखेंगे हम लोग बाउंड टाइप और स्लिप रिंग टाइप। देखिए जैसे ये हमारा केज टाइप रोटर है, केज टाइप रोटर में ये देखिए ये हमारा जो है ये हमारा पोल है स्टेटर का, जो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये हमारा पूरा पोल है ये, और ये मान लीजिए एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, तो ये हमारा क्या हो गया नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो दिया हुआ है कि नॉर्थ से जा रहा है और साउथ की तरफ इंटर कर रहा है, देखो यहाँ नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यही है। अब यही सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है फ्लक्स अपॉन एरिया, तो यहाँ हम लोग देखिए लाइन ऑफ फ्लक्स से डिनोट किया गया है एक लाइन ऑफ फ्लक्स। सेंटर ऑफ रोटर पोल, तो सेंटर ऑफ रोटर पोल, अब देखिए यहाँ जो एयर गैप है इस दोनों पोल के बीच में, तो अब सीधी सी बात है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, यहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यही बात हुआ है। सेंटर ऑफ रोटर पोल नो करंट फ्लो इन द रोटर बार, मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो है यहाँ करंट कितना हो जाएगा, करंट इक्वल टू जीरो, ठीक। अब देखो ये हमारा, और यही हमारा एक इसका स्लॉट है, करंट फ्लोइंग हो रहा है हमारा। अब देखो लाइन ऑफ फ्लक्स, और ये जो है ये जो बार है इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर बार या एल्युमिनियम बार, और ये दिख रहा है दो टर्म, दो रिंग दिख रहा होगा, एक ये दोनों रिंग मिला करके इसको हम बोलते हैं एंड रिंग। जो है ये हम लोग यहाँ से ये एंड रिंग शॉर्ट सर्किट के लिए हम लोग देखते हैं। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब है कि यहाँ से हाई करंट पास होगा, और ये दोनों, तो ये एंड रिंग किसका बना रहता है, ये भी कॉपर बार का ही रहता है या एल्युमिनियम का, जिस मटेरियल का हमारा बार्स होते हैं।
तो बार्स जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम का होता है। इस रोटर का एक खासियत है, इसको हम लोग स्टार्टिंग में हाई करंट के लिए यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग जो होता है शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ हाई करंट होता है बाबू, और टॉर्क जो हो जाता है इसका लो हो जाता है। हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन है, क्लियर। तो अब जो है इसी तरह से डिस्कशन होगा। तो देखिए ये फिगर इसलिए हम लोग लेकर के आए, इस फिगर में थोड़ा क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल भी दिख रहा है कि चलो ठीक है आपका काम हो रहा है। तो इस लेकिन एक बात है इसमें हम लोग, अब देखो हाई करंट पास होगा इस रोटर में, इसलिए यहाँ हाई करंट को लो करंट करने के लिए स्टार्टर यूज करते हैं। स्टार्टर एक्सटर्नल स्टार्टर होता है, ये स्टार्टर है इस मशीन को। स्टार्टर में सबसे पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, दूसरा है स्टार डेल्टा, तीसरा है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो याद रखना ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड हम लोग यूज करते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन भी है, पहले आता था। अब है दूसरा डबल केज रोटर। डबल केज रोटर मतलब कि यहाँ पे दो केज बना दिया गया है ना। देखिए एक होता है इनर केज, ये एक ये आउटर, ये आउटर आउटर, और ये हमारा है इनर, आउटर और इनर केज। तो ये हम लोग देखते हैं, लेकिन ये अभी जरूरत नहीं है। दूसरा है बाउंड टाइप रोटर, जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। बाउंड टाइप रोटर में हम आपको एक डायग्राम बना करके सर्किट डायग्राम दिखाते हैं, ठीक। बाउंड टाइप रोटर में हम लोग जो रोटर का जो वाइंडिंग लेते हैं वो स्टार टाइप का लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, है ना। ये हमारा स्टेटर, ये स्टार टाइप का लेते हैं। ये हमारा तीनों फेज है, मान लीजिए आर वाई, ये स्टार्टर का है, रोटर का है सॉरी। इस तीनों को ये देख रहे हो, जैसे ये मान लो कि एक फेज ये हो गया, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, और ये भी, ये तीनों तीनों फेज कहाँ कनेक्ट होगा, शाफ्ट पे। तो यहाँ हम लोग एक शाफ्ट का भी डिजाइन करते हैं। शाफ्ट जो है ये शाफ्ट के ऊपर बाबू तीन रिंग लगा रहता है, छल्ला जो ब्रॉन्ज फास्फोरस ब्रॉन्ज रहता है, और इसके ऊपर ब्रश लगा रहता है। देख लो ये तीन रिंग है, एक दो तीन, ये फास्फोरस ब्रॉन्ज का है, और ये तीनों इसी से कनेक्ट होता है मान लीजिए। और ये तीनों का जो अब यहाँ से जो निकलेगा ये हमारा रेजिस्टेंस से कनेक्ट रहता है, रेजिस्टेंस ब्रिज बोलते हैं, इसे रहता है रेजिस्टेंस ब्रिज। ये रेजिस्टेंस ब्रिज कहने का मतलब है कि हाई करंट को ये स्टार्टिंग में ही लो, ठीक। ये हमारा है, और इसका जो स्टार्टर होता है वो डेल्टा में रहता है, डेल्टा। ये स्टेटर और ये तीनों स्लिप रिंग जो है ये फास्फोर ब्रॉन्ज का होता है, ठीक। यहाँ भी सारा का सारा स्लॉट है, और ये हमारा शाफ्ट। शाफ्ट तो जो होता है बिल्कुल ये स्टीफ नेचर का होता है, फुल्ली कॉम्पैक्ट होता है, स्टेनलेस स्टील का, हाई ग्रेड स्टील का बना रहता है, ठीक। तो ये हमारा
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का डायग्राम था जो कि सर्किट डायग्राम। दो टाइप का हम लोग रोटर यूज करते हैं। इसमें स्टार्टर जो रहता है वो इनबिल्ट रहता है हमारा, ठीक, स्टार्टर जो रहता है वो इनबिल्ट रहता है। अब हम लोग नीचे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। What are the advantage and disadvantage of induction? जैसे ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नोट करते जाना। इट इज ए सिंपल एंड एकदम इजी कंस्ट्रक्शन होता है इसका। इंडक्शन मोटर दूसरे से सस्ता भी होता है। इंडक्शन मोटर रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, सही है। इंडक्शन मोटर हैज हाई एफिशिएंसी एंड रीजनेबल पावर फैक्टर, इसीलिए आजकल यही यूज करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मशीन और सेल्फ स्टार्टिंग गैस, जैसे इसके कंपेयर में यदि सिंक्रोनस मोटर की बात करो तो ये सर सेल्फ स्टार्टर नहीं होता, स्टार्टर नहीं होता, इसीलिए इसका एडवांटेज ये, ठीक। अब है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में देखिए दिया हुआ है आपका इंडक्शन मोटर आर इसेंशियली कॉन्स्टेंट स्पीड, ये भी क्लियर है। मोटर हैज मोटर एंड इट्स स्पीड कैन नॉट बी चेंज इजली, ये थोड़ा सा ये है कि हमेशा कितना भी लोड दे दोगे ये कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलता है और स्पीड को कंट्रोल इजली नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये जो है स्टार्टिंग टॉर्क जो है इसका शंट मोटर के इन्फीरियर होता है, ये थर्ड डिसएडवांटेज। अब है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इन इंडक्शन मोटर। देखो मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन कुछ नहीं बाबू, एकदम याद रखना कि स्टार्टिंग टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन द रोटर रेजिस्टेंस है ना फेज इक्वल टू द स्टैंड स्टील रोटर। मतलब कुछ नहीं, जब हमारा आर टू इज इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा या रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर का रिएक्टेंस है ना, उसी समय ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क का इक्वेशन होता है, है ना। तो इसका ग्राफ देखो ऐसा बनता है, ये यहाँ जो है रोटर रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सआर होता है, यहाँ रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स आर होता है और यहाँ रोटर रेजिस्टेंस इज लेस देन एक्स आर होता है। ये हमारा टर्म है, यही हमारा मैक्सिमम टॉर्क है। यहाँ हम लोग मैक्सिमम टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क याद रखना कि क्या था, कि जब हमारा रोटर का रिएक्टेंस या रोटर का रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर का रिएक्टेंस, बस बाबू यही ये सब कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंपेयर टू स्क्वायरल केज मोटर। देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंपेयर टू स्क्वायरल केज मोटर। एडवांटेज देखना सबसे फर्स्ट है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क विथ लो स्टार्टिंग हेड। कारण है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमारा इनबिल्ट होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है इनबिल्ट होता है रेजिस्टेंस, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क ये स्टार्टिंग करंट इसका लो हो जाता है, लो होगा तो टॉर्क अच्छा हो जाता है इसका। स्मूथ एक्सीलरेशन अंडर हैवी लोड, एकदम सही है।
नो एबनॉर्मल हीटिंग, कारण सर करंट बहुत ही कम रहता है. गुड रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कट आउट एडजस्टेबल स्पीड. द इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर ग्रेटर, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ब्रिज लगा रहता है इसलिए, और हाई मतलब स्पीड रेगुलेशन हम लोग फिर से जो मशीन का ड्रॉबैक है थ्री फेज इंडक्शन मशीन का, वो ड्रॉबैक फिर से आया कि यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं. नाउ मेथड ऑफ कंट्रोल स्पीड ऑफ वाउंड रोटर. देखो एक हम आपको यहाँ एक फॉर्मूला बताना चाहते हैं कि सर रोटर स्पीड जो है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए सिंक्रोनस स्पीड का. सिंक्रोनस स्पीड हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक, यह हमेशा कम होता है और इसका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप स्पीड. क्या बोलते हैं? स्लिप स्पीड. कहने का मतलब है कि ns माइनस nr दैट इज कॉल्ड स्लिप स्पीड. एंड तो स्लिप क्या होता है? द रेशियो बिटवीन स्लिप स्पीड, द रेशियो बिटवीन स्लिप स्पीड टू सिंक्रोनस स्पीड. और यदि 100 में लोगे तो 100%. यहाँ थोड़ा हम आपको चर्चा कर दें कि स्लिप जो रखा गया है इंडिया में 4% ये हमारा 4%. ठीक, तो यहीं से एक टर्म आता है निकल करके कि चूंकि स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, सो एन आर इक्वल टू कितना? एन आर इक्वल टू हो जाएगा 1 minus s ns. ठीक है, 1 minus n ns. क्लियर? तो अब देखो तो ये टर्म आया हम लोग के पास, तो टर्म क्या है फिर से हम लोग देखें. टर्म ये है nr इक्वल टू 1 minus s ns. अब ये जो टर्म है ये, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं nr इज इक्वल टू 1 minus s 120 f upon t. देखो यही क्वेश्चन है ना, मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ स्पीड. तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे? तो देखो यहाँ इससे अब इक्वेशन निकल रहा है nr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस s. यदि निगेटिव में ही इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज होगा, क्योंकि ये निगेटिव में इंक्रीज हो रहा है मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है. तो स्लिप का रिलेशन है तो सही है फर्स्ट ऑप्शन, द स्पीड ऑफ वाउंड मोटर चेंजिंग ऑफ द स्लिप. वेरिंग द स्टेटर लाइन वोल्टेज, देखिए लाइन वोल्टेज से भी हम लोग कर सकते हैं स्पीड का कंट्रोल. चूंकि EMF is equal to K phi omega, तो EMF is directly proportional to omega speed. यदि speed बढ़ाओगे तो EMF बढ़ेगा और speed घटाओगे तो EMF, मतलब EMF से भी हम लोग कर सकते हैं. Varying the resistance of, यह सही बात है क्योंकि phi directly proportional to I and I is inversely proportional to current. If current will decrease, then resistance and then so EMF also decreases. है ना? तो speed equal to क्या होता है? EMF upon phi. तो phi decrease होगा तो speed increase होगा. Clear? अब है inserting and varying a frozen voltage source of rotor. सही बात एकदम कीजिए, क्लियर है कि पोल को यदि चेंज किया जाए, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाए तो हमारा स्पीड चेंज हो जाएगा. ठीक है गुरु, तो ये हमारा एक टर्म आ गया, एक कंसेप्ट आ गया और हम लोग इसको
काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, आगे हम लोग करते हैं ये स्पीड की बात। एक्सप्लेन हाउ टॉर्क स्लिप कैरेक्टर वेरी व्हेन एडिंग रेजिस्टेंस टू रोटर सर्किट। क्वेश्चन का आंसर भी यही दिया हुआ है, अच्छे से थोड़ा इसको एक बार रीड कर लीजिए। द एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस टू द रोटर सर्किट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क बट इट ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ द स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क अकर्स। ये केवल स्लिप को चेंज कर सकता है जहां हम लोग का वैल्यू अकर्स। ठीक है, अब हम लोग यही देखेंगे। तो क्या कह सकते हैं, द एडिशनल ऑफ रेजिस्टेंस टू बी रोटर सर्किट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ, मतलब ये डिसएडवांटेज ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। अब देखिए, अभी हम लोग जस्ट बात किए थे ऑटो ट्रांसफार्मर, जनरली लेते हैं स्टार डेल्टा इंडक्शन मोटर स्टार्टेड इज कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन फॉर स्टार्टिंग आफ्टर पिकिंग अप स्पीड इट कनेक्ट डेल्टा कनेक्शन व्हेन इंडक्शन टॉर्क इज कनेक्टेड स्टार कनेक्शन स्टार्टेड फॉर रिड्यूस। देखो सीरियस सी बात है कि फॉर स्टार में क्या होगा, हमारा लाइन करेंट इक्वल टू फेज करंट एंड इसमें होता है हमारा अंडर थ्री फीट फेज, और डेल्टा में हमारा बाबू आई एल इक्वल टू थ्री। तो आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री आई एल, मतलब ये करंट ये क्या कर देगा, ये करंट ये देखो यही यही है लिखा हुआ यहाँ, ये करंट ये स्ट्रेस कर देगा कंपेयर टू डेल्टा, यही है ये टर्म दिया हुआ है आपको। तो ये सब नोट करते जाना है आपको, और ये आपको साइंस स्टॉपर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि नोएडा का एक ब्रांच है, जो दिल्ली में भी है निर्माण बिहार में। वाई इंडक्शन मोटर नेम हैज कम, इंडक्शन मोटर कहने का मतलब है कि यहाँ इंडक्शन प्रोसेस होता है। इंडक्शन और कंडक्शन में हम आपको बता दें कि इंडक्शन में देखिए यहाँ दिया हुआ है नो इलेक्ट्रिकल कनेक्ट कॉन्टैक्ट टू द रोटर, और यदि रोटर से कनेक्टेड रहता ही है इसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, मतलब ये इसको हम लोग इंडक्शन नाम नहीं देते, इसीलिए हम इसको इंड्यूस कर दें। व्हाट हैपन व्हेन द इंडक्शन मोटर रन एट सिंक्रोनस स्पीड, अब सिंक्रोनस स्पीड पे जैसे रन करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अभी हम ऊपर जस्ट बात किए कि सर देखो एनएस इक्वल टू एनआर हो जाएगा तो नो रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, दोनों के बीच में क्या होगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और दूसरा टर्म यहाँ ये भी है कि जब रिलेटिव मोशन नहीं आएगा ईएमएफ क्या होगा बाबू, नहीं कट करेगा, ईएमएफ कट नहीं करेगा, सॉरी फ्लक्स कट नहीं करेगा, फ्लक्स कट नहीं करेगा, और फ्लक्स नहीं कट करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। डी फाइव बाई डी टी यही होता है ना, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा, फ्लक्स भी कट नहीं करेगा रोटर के थ्रू, कब इस स्पीड से, तो सर टॉर्क भी नहीं होगा, टॉर्क भी जीरो, स्पीड भी जीरो, कहने का मतलब कुछ होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा डिसएडवांटेज ही है एक तरह से कि सर यदि उस पर हम लोग, इसीलिए थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर अवेलेबल, टू टाइप्स स्क्वायर इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जस्ट अभी व्हाट इज एडवांटेज ऑफ स्लिप, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जरूरत नहीं पड़ता है, ये पहले से मौजूद रहता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्लिप रिंग मोटर, ठीक। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्क्वायर केज, सर इसमें कोई ये नहीं रहता है लगा हुआ, इसीलिए देख रहे हो लो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है लो है, कंस्ट्रक्शन इजी है एंड लेस मेंटेनेंस इसमें यूज होता है। व्हाट इज द स्पीड वेरिएशन ऑफ द इंडक्शन मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ये याद रखना नो लोड से फुल लोड। द डिक्रीमेंट इन द स्पीड ऑफ द स्मॉल रेटिंग इंडक्शन मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विल बी अराउंड
4-5% एंड 2-2.5% इन केस ऑफ द लार्ज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, कितना ही डिक्रीज हो जाता है 4-5%। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव तौर पे हम आपके लिए लाए हैं इंडक्शन मशीन, है ना, इंडक्शन मशीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट यूजुअली फैब्रिकेटेड इन सॉलिड सिलिकॉन स्टील, तो सबसे नया नाम है स्टेटर कोर, स्टेटर कोर को हम लोग सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मशीन मेड अप ऑफ, अभी जस्ट ऊपर किए थे, स्टीफ होता है ये, हाई स्पीड हाई शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ द शाफ्ट, किसका बना रहता है, कार्बन स्टील का, याद रखना कार्बन स्टील का। इन एन इंडक्शन मोटर नो लोड द स्लिप इज जनरली 1% लेस, इन मीडियम साइज इंडक्शन मोटर द स्लिप इज जनरली अराउंड 4%, अभी जस्ट बात किए थे 3-4% रहता है ये ग्रुप। इन स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट आर यूजुअली, आप ये क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, आप जो भी हो आप इसको पूछ सकते हो, है ना, मैं दिखा दूँ। नाइन्थ क्वेश्चन है, अ डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज टू पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर, ऊपर दिखाए थे, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग कितना, 3। अच्छा स्क्वायरल केज में कुछ नहीं होता है, स्क्वायरल केज में एक भी नहीं, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मोटर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर, ध्यान से देखना कुछ क्वेश्चन है। आपका इम्पोर्टेंट है ये पूरा क्वेश्चन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था हमारे पास, और यदि कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये फेसबुक लाइव वीडियो भी चल रहा है, और ये जो है हम आपको लेकर के आ रहे हैं फिर से यूट्यूब चैनल पे भी। यूट्यूब चैनल में मेरा नाम, मेरा चैनल है sciencestoppers.com, साइंस स्टॉपर्स, यही हमारा साइंस स्टॉपर्स टेक्निकल नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर कभी भी विजिट कर सकते हैं, आपको ये कुछ देर में ही मिल जाएगा। थैंक यू।